आज है फ्राइडे, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अलवर। अलवर जो कि दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूर है, यानी कि आप 4 घंटे में यहाँ से अलवर यहाँ से पहुँच सकते हो आसानी से। क्या क्या घूमने के लिए वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, स्टे करना आपको वो कहाँ कर सकते हो, कौन कौन से बेस्ट होटल्स है, क्या बजट रहने वाला, वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। उन्होंने डिस्प्ले कर रखे हैं सरिस्का, बाला किला, तो ये भानगढ़ जो है ये हम लोग कल जाने वाले हैं। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. तो फिर आज एक लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं फिर घूमने। हैं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर आप भी जाना चाहते हो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक तो वाया गुड़गांव होके निकल सकते हो और एक आप पेरिफेरल से निकल सकते हो। तो पेरिफेरल वाला रास्ता हमारे लिए ज़्यादा सूट करता है क्योंकि उस रास्ते पर ट्रैफिक नहीं मिलता है और हमारे यहाँ से नज़दीक भी पड़ता है, तो वही हार्डली आपको 15 से 20 किलोमीटर का दोनों तरफ से डिफरेंस पड़ जाएगा अगर आप अंदर से जाओगे और यहाँ से जाओगे। पर टाइम अगर आप देखोगे तो टाइम आपको सेम ही लगने वाला है। राइट, तो हम लोग पहुँचे थे फिलहाल, अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग जाएंगे बाला किला, क्योंकि बाला किला जो है वो बहुत हाइट पे है और ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, इसके अंदर से ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर से जाना पड़ता है। तो पर वही एज इट इज़ जो हर बार हम लोग के साथ होता है वही हम लोग के साथ बार हुआ। 4:10 हो रहा है, हम लोग यहाँ पहुँचे और उनका कहना ये है कि इस टाइम क्लोज़ है, बाला किला रिस्टोरेशन की वजह से उन्होंने बंद कर रखा है, तो वो तो फिलहाल है बंद। अब टाइगर रिजर्व के लिए वो बोल रहे हैं कि अपना पर्सनल व्हीकल आप ले जा नहीं सकते हो। बानी ऑलरेडी देखो वो घूम रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं क्या करें। आप बताओ क्या करना है इसमें, तो 3:30 बजे तक लिखा पर्सनल व्हीकल 3:30 बजे तक ले जा सकते हैं, उसके बाद जाना है तो इनकी ये जीप्स खड़ी हैं, इन जीप्स में लेके जाएंगे ये बाला किला के आसपास जितनी जगह वो सारी घुमाएंगे, फोर्ट घुमाएंगे, एक पूरा सरिस्का रिजर्व घुमाएंगे और उसका 4 लोगों का वो चार्ज कर रहे हैं 1902 4:30। पर आपको अपना पर्सनल व्हीकल जो ले जाना है वो 8 बजे से 3 बजे तक, आप भी देख लो वो सारा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें सारी डिटेल्स लिखी है, पॉज करके आप चेक कर लो। तो हम लोग का प्लान ये था कि आज जाएंगे बाला फोर्ट और जो ऊपर आप वो देख रहे हो ना ये वाला जो एरिया, ये सारा एरिया हम लोग आज कवर करने वाले थे जो है भानगढ़ का फोर्ट कवर करने वाले हैं। तो अब प्लान ये हो गया है कि सुबह यहाँ आ जाएंगे अर्ली मॉर्निंग और यहाँ घूम करके निकल जाएंगे, फिर दोपहर में सीधा निकल जाएंगे हम लोग यहीं से, डायरेक्टली चले जाएंगे भानगढ़ और फिर भानगढ़ का फोर्ट देखेंगे जो कि मेरी चेकलिस्ट में है बहुत ऊपर। मैं चाहता हूँ सबसे पहले भानगढ़ का फोर्ट कवर करना। यहीं हम लोग की गाड़ी सामने खड़ी है एग्जैक्टली, और वहाँ से हम लोग यहाँ सामने आके ये वाला व्यू देख रहे हैं, सनसेट यहीं सामने से होने वाला है। टॉक अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। देखो अलवर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ है नहीं, राइट, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको स्टे अगर यहाँ करना है तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपकी विजिट कब होने वाली है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपनी जो बुकिंग करी है आज की उसके हिसाब से मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, लीजिए 1500 to +में आपको पर नाइट के हिसाब से रूम मिलेगा, सिंगल रूम, और जो डिपेंड करता है कि आपको कितनी लग्जीरियस होटल लेना है उस हिसाब से देर इज़ नो कैपिंग ऑफ इट, बट 1500 to 2500 के अराउंड आपको एक नॉर्मल एक अच्छा होटल आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको बता दिया, राइट, और एक्सपेंसेस तो अभी मैंने दिल्ली से हम लोग निकले वहाँ से अभी तक यहाँ तो कोई हार्डली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं हुए हमारे। हम लोग वहाँ से 11 बजे निकले थे, 3:30 के बीच 3 बजे के आसपास हम लोग अपने होटल में चेक इन कर गए, यानी कि 4 घंटे में आप दिल्ली से यहाँ पे आराम से आ सकते हो। एंड ऑफ दिस वीडियो बता देंगे कि अगर आपको सिर्फ 2 दिन या 3 दिन की छोटी सी ट्रिप अलवर की प्लान करनी है तो क्या क्या और घूमने को है, क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। वहाँ से निकल के हम लोग आ चुके हैं सिलीसर लेक और आप देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू पीछे, बहुत सारे बंदर हैं भाई यहाँ पे, थोड़ा सा सेफली रहना पड़ेगा आपको जब भी आप आने का अगर प्लान कर रहे हो तो, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था 7-8 किलोमीटर दूर है मेन एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस पर आपको 100 रुपीज़ का एक टिकट लेना पड़ेगा पर हेड के हिसाब से, और उस 100 रुपीज़ में पर हेड 1 कॉफ़ी। राइट, इस लेक की हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, 18th सेंचुरी में इस लेक को बनाया गया था
और इस लेक का जो पर्पस था वो पर्पस ये था कि जो अलवर सिटी के जो लोगों थे उसमें पानी की उस टाइम जो कमी पड़ गई थी, तो उस पानी की पूर्ति को करने के लिए इस लेक को बनाया गया था। और ये नेचुरल लेक है और आज भी इतना फेमस है और बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो कितना बड़ा ये लेक है। चलो ऊपर चलते हैं, इनका कैफेटेरिया है, वहाँ जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। आ जाओ। ओके मैं आ रही हूँ। तो ये जो उन्होंने एंट्री टिकट दी थी जो 100 रुपीज़ पर हेड है, उस 100 रुपीज़ पर हेड टिकट में एक कॉफ़ी पर हेड इंक्लूडेड है। सो ये इनका कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सामने व्यू आता है। बहुत अच्छी जगह है, मतलब आप यहाँ पे आके सीरियसली अगर आपको रिलैक्स करने का ही इंटेंशन है, सबसे अच्छी चीज़ जो इस ट्रिप पे अभी तक मुझे देखने को मिली है वो ये है कि भीड़ बिल्कुल नहीं है। ऑफ बीट प्लेस हो गई हमारे लिए अलवर, और ऑफ बीट प्लेस के साथ साथ ये एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे हिस्ट्री भी आप देखने को मिलेगी, और रिलैक्स करने का अगर आपका मूड है तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस यू कैन ऐड इन योर लिस्ट। सामने इसके लेक है, इसलिए लेक भी रेस्टोरेंट कहते हैं। बट इनिशियली जिस राजा ने इसको ये बनवाया था वो यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आया करता था। ये जो लेक आप पीछे देख रहे हो ये 7 किलोमीटर में फैली हुई है, बट इसमें बोटिंग भी होती है, पर इलास फिलहाल बोटिंग इसमें बंद है, क्योंकि हम लोग नीचे जब टिकट ले रहे थे उसने मेरे को स्टेटस पे बोल दिया था कि बोटिंग अभी बंद है। पानी गिर जाएगा। तो भाई लो ऑथेंटिक टेस्ट हम लोग करेंगे आज। ये है दाल बाटी चूरमा, दो प्लेट मंगाए हैं। स्वाति अपना डोसा खाएगी, पर हम लोगों ने डिसाइड किया था भाई राजस्थान आए हैं तो हम लोग दाल बाटी चूरमा जरूर खाएंगे। तो उसके साथ छाछ, सीरियसली बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, नो वर्ड, नो कंपैरिजन।